आप सबका स्वागत है आज के हमारे एक न्यू ब्लॉग्स में। और आज हम आ गए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में हम आ गए हैं इस्कॉन टेंपल में। अगर बात करें इस्कॉन टेंपल की, तो इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज के कर कमलों द्वारा हुआ था। यह मंदिर जो है हारे हिल्स पर विद्यमान है। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। तो ये हमारे सामने मुख्य द्वार है और हम प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आइए आप सबको मुख्य मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। ये हमारे राधा रानी की एक प्रतिमा है और जस्ट बगल में नरसिंहा जी की प्रतिमा है, और उसके जस्ट बगल में आपको मुख्य प्रतिमा राधा रानी की मिलेगी, जो कि दिल्ली की एकमात्र प्रतिमा है जो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजावट के रूप में उपस्थित है। तो आप अभी दर्शन कर रहे हैं मुख्य प्रतिमा की। आइए हम अन्य और प्रतिमाएं राधा रानी की दर्शन करते हैं। हम जब पहुंचे थे उस समय यहाँ पर आरती हो रही थी और हम आरती में भी सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी भी हमारे साथ आरती करिए। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी की। और ये हम लोग सम्मिलित हो गए हैं, आपके यहाँ पूजा हो रहा था उस पूजा में। तत्पश्चात यहाँ पर आरती करके हम यहाँ की भजन संध्या का आनंद लेते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप सब भी हमारे साथ आइए परिक्रमा करिए। शाम को 6:30 बज चुके हैं और ये समय है तुलसी आरती और तुलसी पूजन का। तो यहाँ के जितने भी आचार्य हैं वो सब तुलसी पूजा की तैयारी करने में लग चुके हैं। तो आइए हम भी सम्मिलित होते हैं और साथ में उनके साथ भजन संध्या का भी आनंद लेते हैं। सात्विक और सात्विक के मामा और हम सब मिलके एक साथ ही परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे अच्छे से दर्शन पूर्ण हो चुके हैं। तो अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा हरे राधा।